बड़ी खबर आपको बता दें, एमपीपीएससी 2019 का अंतिम परिणाम रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रिया पाठक राज्यसभा 2019 की इस परीक्षा में टॉपर बनी है। सतना के नागौद की रहने वाली प्रिया पाठक, जिन्होंने टॉप किया है, पहली बार दो परीक्षा से जारी हुआ एक अधूरा परिणाम। 87% पदों के लिए चयन सूची जारी की गई है, 13% पर अभी भी रिजल्ट होल्ड है। लेकिन आपको बता दें कि जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें टॉप 10 में लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉपर रही हैं सतना की प्रिया पाठक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नतीजे जारी कर दिए। 571 पदों के लिए राज्यसभा 2019 पर ये परीक्षा 2019 घोषित हुई थी, लेकिन 472 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और आपको बता दें कि एमपीपीएससी की इस परीक्षा में जिस छात्रा ने टॉप किया है प्रिया पाठक, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हुए उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारी प्रिया पाठक की रही। प्रिया, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर, ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर द बिग अचीवमेंट। और इसके साथ ही अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां आपने की, क्योंकि लंबा इंतजार रिजल्ट के लिए भी आपको करना पड़ा, तैयारी कैसी थी और किसका मोटिवेशन कि आज आप टॉपर हैं? मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैंने प्रिपरेशन मैम एक्चुअली ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर पे शुरू की थी, और 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट रहा है। और जैसे कि मैम जर्नी का थोड़ा लंबी हो गई, जो इसका प्रीलिम्स है वो 12 जनवरी 2020 को हुआ था जी। और जो फाइनल रिजल्ट है वो कल हाल ही में जारी हुआ है, तो गैप थोड़ा ज्यादा था मैम। तो इस बीच में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, देन इंटरव्यू, थोड़ा प्रोसेस लंबी हो गए। पर मैम आई थिंक मोटिवेशन जो है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत काम आता है। जो टीचर्स हैं वो आपको निरंतर मोटिवेट करते हैं, जो भी मेंटर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब आपको मोटिवेट करते रहते हैं। और कई बार होपलेसनेस भी होती है, क्योंकि अगर एक प्रोसेस, एक एग्जामिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने में थोड़ा लंबा समय अगर चला जाता है, तो वहाँ नो डाउट वहाँ पे थोड़ा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पे फिर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। तो मैम मुझे लगता है कि एक फैमिली का सपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मैम कि प्रिया फैमिली का सपोर्ट तो आपको लगातार मिलता रहा ड्यूरिंग द एग्जाम और प्रिपरेशन, उस टाइम पे भी आपको जाहिर तौर पर फैमिली का सपोर्ट मिला होगा। वो सबसे बड़ी जो मोटिवेशनल चीज होती है वो फैमिली ही होती है, सपोर्टिव जो होती है वो फैमिली ही होती है। लेकिन प्रिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब अचानक से कल रात में रिजल्ट आया तो, और आपने जब देखा कि आपने टॉप कर लिया है, क्या रिएक्शन आपका रहा? फैमिली को आपने न्यूज किस तरह से दी और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने ये गुड न्यूज आपके मुंह से सुनी? मैम एक्चुअली कल रात में 11:30 के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जी, और मैं उस समय पे सो रही थी, आई वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम जी। तो मैम बस वो मैसेजेस आने लग गए थे और काफी वाइब्रेट हो रहा था। अच्छा, आपने देखा था क्या रिजल्ट? आपको रिजल्ट किसने बताया था? नहीं, एक्चुअली मैम मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था, फर्स्ट टाइम लिखा था। हाँ। तो पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ मैम, बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप टॉप कर जाएंगे, वो भी एक सिविल सेवा की परीक्षा में। बड़ी परीक्षा होती है, बहुत कॉम्पिटिशन होता है, बहुत लोग एफर्ट करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये मानना भी शुरू में कि आपने टॉप कर लिया है उस एग्जाम को जी। तो मैम पहले तो भरोसा नहीं हो रहा था, बट फिर मैंने रिजल्ट चेक किया, तो फिर रिजल्ट चेक किया, रोल नंबर चेक किया और कैटेगरी वगैरह देखी, तो फिर मैम लगा कि नहीं, चलो ठीक है, फाइनली 2019 की जो जर्नी है आज फाइनली खत्म होती है। और मैम उसके बाद ही फिर मैंने, पेरेंट्स भी मेरे सो गए थे, तो फिर हाँ, तो थोड़ा सा शाउट मेरे मुंह से निकल गया, शाउट कर दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा शॉकिंग था वो रिजल्ट का जो देखा था मैंने। तो फिर पेरेंट्स की नींद खुल गई, फिर हो गया, सब खुश थे, सबसे शेयर की ये न्यूज।
शॉकिंग था प्रिया, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज निश्चित तौर पर, लेकिन आपने जो मेहनत की होगी उसी का रिजल्ट आपको मिला है। और जाहिर तौर पर चिल्लाने का मौका था ही, क्योंकि आपने टॉप किया था, तो किसी को भी नींद तो रात भर नहीं आई होगी, ये तो होगा ही। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी जी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था प्रिया आपका, या कब से आप तैयारियां कर रही थी, कब आपने सोचा था कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा इस क्षेत्र में जाकर करनी है? यस मैम, जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे मैम ऐसा मुझे लगने लग गया था, जब काफी रीडिंग वगैरह डाइवर्सिफाई कर ली थी मैंने, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे तब सिविल सर्विस के बारे में पता चला था। और उस दौरान फिर ऐसा लगा कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, करियर ऑप्शन। और जी इसके अलावा भी मैम, क्योंकि जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पीपल, तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी फील्ड। तो मैम फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम ही देना है। जी तो मैम जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर किया, और 2019 जो है वो एमपीपीएससी का पहला अटेम्प्ट मैम मेरा था। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका प्रिया, और बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से बंसल न्यूज़ की तरफ से। बड़ी अचीवमेंट है प्रिया पाठक, जिन्होंने सतना से टॉप किया है एमपीपीएस पीएससी 2019 का जो रिजल्ट आया। और खास बात यह है कि एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी, टॉप 10 में सारी लड़कियां थी, प्रिया पाठक टॉप पर रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं उनके आने वाले समय के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।